आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने भारत को सस्ता क्रूड ऑयल देने से मना कर दिया है। भारत की दो सरकारी तेल कंपनियां भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि HPCL की रूसी कंपनी रोसनेफ्ट के साथ तेल खरीद को लेकर कई दिनों से बातचीत चल रही थी, जो फेल हो गई है। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है। इसके अलावा क्रूड ऑयल के दाम 13 हफ्तों के हाई पर पहुंच गए हैं और रुपए भी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव बढ़ने से सीधा असर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है। वहीं ब्रेंट क्रूड $124 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। ये 13 हफ्तों का उच्चतम स्तर है। वहीं कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और बढ़ते घाटे को कम करने के लिए देश की जनता पर इसका बोझ डाला जा सकता है। ये बोझ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में दिखेगा। ऐसे में अगर रूस से भारत को सस्ता कच्चा तेल नहीं मिलता है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना लगभग तय है। अभी केवल इंडियन ऑयल ही है जो रूसी कंपनी के साथ सस्ते तेल के लिए 6 महीनों के डील पर कर पाई है। वहीं डील के तहत इंडियन ऑयल रूस की तेल कंपनी से हर महीने 60 लाख बैरल तेल खरीद सकती है। इसके साथ ही 30 लाख बैरल ज़्यादा तेल खरीदने का भी ऑप्शन है। वहीं IOC के साथ कॉन्ट्रैक्ट में अभी मेजर करेंसी जैसे रुपए, डॉलर और यूरो में पेमेंट शामिल है, जो ट्रांजैक्शन के समय उपलब्ध पेमेंट सिस्टम पर निर्भर करता है। वहीं भारत रूस से यूरल ग्रेड ऑयल खरीदता है, लेकिन IOC ने अपनी डील में सो कॉल ग्रेड और ESPO ब्लेंड को भी शामिल किया है। वहीं रोसनेफ्ट दूसरे ग्राहकों को भी तेल सप्लाई कर रहा है, जिससे उसके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं है कि वह भारत की कंपनी को बेच सके। वहीं भारतीय रिफाइनरों को अब कच्चे तेल के लिए स्पॉट मार्केट का रुख करना पड़ सकता है, जहां तेल महंगा है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि HPCL और BPCL को जुलाई में लगभग 10 लाख से 20 लाख बैरल रूसी तेल मिल सकता है। वहीं भारत के साथ डील को कैंसिल करना इस बात का भी संकेत देता है कि रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के बढ़ते दबाव के बावजूद अपने तेल का निर्यात जारी रखने में कामयाब रहा है। वहीं सूत्रों ने कहा है कि एवरेस्ट एनर्जी और कोरल एनर्जी, बैलस्ट्रिक और सनराइज जैसी ट्रेडिंग फर्म के जरिए रोसनेफ्ट कच्चे तेल को मार्केट में ला रहा है। वहीं इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले 77.74 पर खुला और अपने पिछले बंद के मुकाबले 8 पैसे कमजोर होकर 77.76 पर बंद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।